समय ऊंचा हाथ थाने से बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको बता दें कि तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें से एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हम आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के सावापुर चौरसिया ढाबे के पास का यह मामला, जहां पे घटना हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सतीश पांडे 35 वर्षीय और उदय भान सिंह 45 वर्षीय किसी काम से मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उदय भान सिंह उम्र 45 वर्ष की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर सतीश पांडे 35 वर्ष का इलाज सीएससी में चल रहा था, उन्हें रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। हम आपको बता दें कि छिनौरा प्रतापगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं दोनों लोग, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई। एसएमएन की डेस्क रिपोर्ट। अभी घटना ये हुई कि हम बाबू उनसे ऊंचाहार आ रहे थे सवैया तिराहे के पास, चौरसिया रेस्टोरेंट के पास, एक अज्ञात वाहन मतलब शायद टैंकर था, उसकी टक्कर हुई थी, जिससे दो बाइक सवार थे, एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरा घायल है। कहाँ लेके आए घायल को? घायल को यहाँ लाया सीएससी ऊंचाहार। इनकी जो बाइक थी वो लखनऊ का नंबर है, अभी इनकी जानकारी नहीं लग पाई कि इनका प्रॉपर घर कहाँ पे पड़ता है। सर, दो लोग यहाँ पे घायल अवस्था में लाए गए थे, क्या मामला था पूरा? मामला ये था कि लगभग एक घंटे पूर्व जो है दो अपने घायल लाए गए थे, जिसमें एक सतीश पांडे 35 वर्ष थे, उनको हेड इंजरी थी, उनको जिला अस्पताल अभी भेजा जा चुका है, और एक मृत घोषित किए गए जो मृत अवस्था में ही लाए गए थे, उनका नाम उदयभान सिंह 45 साल के थे, जिनकी पहचान छिनौरा प्रतापगढ़ के रूप में की गई है।